हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एयरफोर्स का एग्जाम हो गया है ना प्रॉपर तरीके से, तो इसका रिजल्ट कब तक आएगा फाइनल, फिर फेज टू कब से होगा, ये थोड़ा सा आपके अंदर मन में होगा। फेज टू की तैयारी करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, मैंने सेक्शनल कट ऑफ की बात करूँगा। सेक्शनल कट ऑफ तो खैर एडजस्ट कर ले तो आप लोग जानते हो, 5-6 के आसपास, 7 के मैक्सिमम, 7 नंबर के आसपास जाएगा। इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात बताऊँगा तो ओके, 7 या तो 8 बहुत ज़्यादा, 7 से 8 के बीच में समझ लीजिएगा, या 6.5 से भी बन सकता है। ये आपका सेक्शनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ पे भी वीडियो बनाए, यहाँ पे सब, यहाँ पे डाटा भी दिखाया मैंने। लगभग 10,000 तक का एक्स ग्रुप की डाटा कलेक्ट किया, जिसमें टेलीग्राम चैनल्स ढेर सारे थे वहां से किया मैंने, यूट्यूब कम्युनिटी पोल कराया, सब जगह कराने के बाद मेरे पास डाटा आया था, जो कि मैंने वीडियो बनाया, वीडियो वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। अब ओवरऑल मैं यहां पे आता हूं, वापस से आपको रिपीट कर दूं, जो पेपर था वो आपका आपकी बार का बढ़िया था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस चक्कर में हैं कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा ऐसा क्यों, बट कट ऑफ सच में कम जाएगा या फिर रिपीट कर सकता है, ये आप कह सकते हो। पिछली बार 22.5 आई थिंक, जहां तक मुझे मेमोराइज्ड है ये था, अब की बार 21 मान के चलेगा, 21 के आसपास आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। कट ऑफ डाउन ही जाने का, क्योंकि पेपर सच में अच्छा पेपर था, आप इजी बहुत नहीं बोल सकते उसको, मॉडरेट थोड़ा बहुत कह दो कि जो पहले ऑलरेडी 2-3 अटेम्प्ट दे चुके होंगे उनको लिए मॉडरेट लगा होगा, जो पहली बार दिया होगा उसके लिए अच्छा खासा टफ पेपर लगा, लेंदी था, कैलकुलेटिव था, चाहे कितना भी आप पढ़े होंगे ना, तो पेपर आपका मुश्किल था थोड़ा सा। अब बात आती है नॉर्मलाइजेशन। देखो, नॉर्मलाइजेशन में नंबर तब बढ़ेंगे जब आपका पेपर किसी शिफ्ट में इजी रहेगा, किसी शिफ्ट में हार्ड रहेगा तब, अदरवाइज अगर वो बैलेंस करते हैं तो फिर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मलाइजेशन पे मैं अलग से वीडियो भी कर चुका हूं, मैं पहले चीज क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चे नॉर्मलाइजेशन को ऐसे समझते हैं कि नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा ही घटेगा, और घटने का भी बढ़ने का भी, देखो वहां पे एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला के थ्रू ही वो घटता बढ़ता है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर क्वेश्चन ज्यादा गलत हो गया तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर कटने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। क्वेश्चन ज्यादा गलत होने का नॉर्मलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है ना, नॉर्मलाइजेशन से सिर्फ इतना लेना देना है कि आप कितना नंबर पाए और आपके शिफ्ट का एवरेज नंबर कितना था और मैक्सिमम नंबर कितना था, सबसे ज्यादा स्कोर कितना हुआ और एवरेज स्कोर कितना हुआ, उससे निकाला जाता है डाटा, फिर उनको आइडिया लगता है कि पेपर टफ था कि इजी था, ओके। और एवरेज एक पूरे का भी निकालते हैं, पूरे सभी शिफ्ट का भी निकालते हैं, टॉपर और सभी शिफ्ट का एवरेज निकालते हैं, फिर उससे निकालते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट, इसको समझने के लिए टाइम चाहिए। फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए, आप फेज टू की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मैं बताऊं, जिनका भी एक्स ग्रुप वाले बेटा हो, आप लोग 21 नंबर से ज्यादा, तो बिल्कुल फेज टू की तैयारी में लग जाओ, बिल्कुल कतई मत रुकना, क्योंकि तैयारी रहेगी। मान लो कि आधा नंबर से रुक भी गया, कोई बात नहीं, काम आ जाएगा, बट अगर तैयारी ही नहीं करोगे, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे, और मान लीजिए कट ऑफ 21 से भी नीचे चला गया, जो कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है पेपर ऐसा ही था, तो ऐसा ना लगे कि यार हमारे साथ धोखा हो गया, मैंने तो तैयारी नहीं की फेज टू की, है कि नहीं। तो फेज टू की तैयारी वो सभी बच्चे करेंगे जिनका 21 नंबर के आसपास दिख रहा है। 21 नंबर बोला मैं, ध्यान दीजिएगा, 21 कम बोला पिछली बार के मुकाबले कट ऑफ। तो आप सभी लोग फेज टू की तैयारी में स्टार्ट कर दीजिएगा, लग जाएगा। अब फेज टू का एक प्रॉपर तरीके से होली बाद हम प्लानिंग के साथ आएंगे, अभी रैंडम में बता दूंगा, फिर होली में बंद होगा, फिर आपको भी तकलीफ होगी ना, तो आपको कुछ भी पेमेंट करने की या कहीं जुड़ने की जरूरत नहीं, आपको हर एक चीज यहां पे प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको अच्छे से पता है। आपको ऑफलाइन का भी कोशिश कर सकते हैं हम लोग, ऑनलाइन का भी करेंगे, ठीक, ऑनलाइन तो फिक्स ही आपका, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ भी नहीं देना है। होली के बाद से स्टार्ट करेंगे, होली आप एंजॉय करिए ना, अभी एग्जाम दियो फिर वही प्रेशर लोगे। तो बताते हैं कि जो आपका रिजल्ट है ना, तो एग्जाम तो आपका एंड हो गया, जो रिजल्ट है, अगर मैं फेज वन की बात करूंगा, कितना टाइम आपको मिलेगा ना फेज टू की तैयारी के लिए ये सब चीजें, तो रिजल्ट जो है आपका ये मान के चलेगा अंडर 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपका रिजल्ट कैसे भी आ जाएगा आपकी बार। क्यों सर, रीजन क्या है? अगर डिले भी तो हो सकता है, देखो रीजन ये है रिजल्ट जल्दी आने का, ये मैक्सिमम बता रहा हूं, ये जो क्लेम करते हैं इनकी बात करो ना, 20 दिन से पहले रिजल्ट आने की संभावना है। रिजल्ट पहले आने का ये रीजन है कि ये वैकेंसी कौन सा 01/2025 है, ये वैकेंसी क्यों निकाले,
इतना जल्दी क्यों निकाले, इनको जल्दी वैकेंसी भरनी होगी तभी तो निकाले, और क्यों निकालेगा। अगर मैं आज वैकेंसी क्लियर करूं, कोई वैकेंसी अगले साल की आज दे रहा हूं, मतलब मुझे जरूरी है ना, अदरवाइज मैं इसको होल्ड कर सकता था, मैं लाता ही नहीं, मैं बोलता एक साल बाद अगले साल वाली वैकेंसी आएगी या अक्टूबर नवंबर में निकालूंगा 25 वाली। 01/2025 निकालने का क्या मतलब है, यानी कि उनको लड़कों की जरूरत है, उनको जरूरत है वहां पे उस वक्त कैडेट्स की, तो इसका मतलब ये रिजल्ट में डिले नहीं करेंगे। ओके, रिजल्ट में डिले नहीं करेंगे कहीं से भी। तो 30 डेज आप मान चलेगा रिजल्ट आपका 20-25 डेज में आ जाएगा, 30 डेज मैक्सिमम। और फेज टू अगर मान लीजिए 30 डेज के आसपास लेके जाता है तो फेज टू में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 10 से 15 दिन मैक्सिमम लेके चलेगा। ठीक है, 15 दिन से ज्यादा मत लेके चलिएगा कि फेज टू में आपको बहुत टाइम मिलेगा, मैक्सिमम बता रहा हूं, ये मैं ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं, इसके पहले आपका पूरा खेला हो जाएगा, यानी 45 दिन बोले तो 1.5 महीना के अंदर आपका हो जाएगा ये पूरा काम तमाम। ओके, ओवरऑल यही आपका रहेगा सिनेरियो। तो फिलहाल जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे फेज टू की, जिसका भी नंबर एक्स ग्रुप में 21 से ज्यादा है, वाई ग्रुप की बात करूंगा फीमेल कैंडिडेट बेटा जिसका 33 से ज्यादा, 33 से ज्यादा है, और जो मेल कैंडिडेट आपका 36 से ज्यादा। ठीक है, जिस भी वाई ग्रुप की बात कर लूं मैं, तो वाई ग्रुप में जो फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, 33 आपका है, तो आप लोग तैयार रहना बेटा फेज टू के लिए, और 36 प्लस है मेल के लिए, क्योंकि पेपर सच में अच्छा था। मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत हूं और अग्री 100% करता हूं कि रीजनिंग भी अब की बार लेंदी था कि नहीं था। एक्स ग्रुप की बात करूंगा, मैथ में कहीं कहीं कैलकुलेटिव था, फिजिक्स भी कहीं कहीं बहुत अच्छा कसन डाल रखा था ना, तो एक्स ग्रुप का लड़की लड़कों का मान चलेगा 21 के आसपास। आप लोग फेज टू की तैयारी में लग जाओ, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना बाबू, कतई ये मत सोचना कि आपका कट ऑफ तो 23 जाएगा 24 जाएगा, मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल ये मत सोचना। 21 नंबर वाले बच्चे 100% तैयारी करो, 100% मतलब सब काम छोड़ के फेज टू की तैयारी में लग जाओ आप। और मैं कहता हूं, मेरी बात अगर थोड़ा सा मानोगे तो 19 वाले बच्चे भी तैयारी पे लग जाओ, क्योंकि अभी कोई वैकेंसी आपकी नहीं आई है, अभी कोई फॉर्म नहीं आया, आपको किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं करनी, तो आप खाली तो बैठे हो, तो अगर आपका 19 प्लस है ना तो भी आप लग जाओ तैयारी में। अगर आपका 19 प्लस आ रहा है ना, मैं आपको समझदारी की बात बता रहा हूं, वरना बाद में बहुत पछतावा होगा इस चीज को लेके कि काश मैं तैयारी पहले शुरू कर दिया रहता। तो अगर आपका एक्स ग्रुप से हो आप, ठीक है, एक्स ग्रुप से हो और आपका 19 प्लस दिख रहा है ना, तो भी आप फेज टू की तैयारी में लग जाओ अभी से। फेज टू की तैयारी में क्या कुछ पढ़ना होता, नहीं, स्पीकिंग सीखनी होती, स्किल लाना होता है, वो तो बहुत जरूरी है आपको, वो तो वैसे भी आना चाहिए ना। तो फेज टू की तैयारी हम लोग स्टार्ट करेंगे होली के बाद से, टेंशन मत लीजिएगा, और सभी बच्चे बिल्कुल तैयार रहेंगे कट ऑफ कम जाने के लिए, और आप सभी का मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेक्शन होगा। जितने बच्चे परेशान है, पेपर खराब हो गया, ऐसा वैसा हो गया, आप देखिएगा आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। कट ऑफ सच में कम जाएगा बाबू, सच में कम जाएगा कट ऑफ, पेपर अच्छा था। ठीक है, जो पहला अटेम्प्ट दियोगे उनके लिए तो देखो, एयरफोर्स पहले अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए एक मिस्ट्री रहता है, एक जादू की दुनिया है ना, जैसे जाते हैं बच्चे वहां कंप्यूटर ऑन करते हैं, उनको लगता है टाइम कैसे जा रहा है, ये तो है? हमें तो पता ही नहीं चला पूरा टाइम खत्म हो गया। जो पहली बार देते, जो एक दो बार दे चुके रहते, फिर उनको समझ में आता, अच्छा टाइम मैनेज ऐसे करते हैं हम लोग ना। तो देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, 30 डेज का मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप वेट करोगे, ये मान के चलो आपका 19 अप्रैल तक रिजल्ट का, ठीक है, 19 अप्रैल तक मान के चलना आपका रिजल्ट आने की बिल्कुल संभावना है। और फेज टू की बात करेंगे तो आपके पास वही इसके एंड में बोल दीजिए लगभग चला जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके, आपका ये हो जाएगा अप्रैल मई स्टार्टिंग। ठीक है, मई स्टार्टिंग के आसपास आपका ये हो जाएगा, इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट और फेज टू तक ये मामला पूरा सेट है। ओके, तो फेज टू की तैयारी में लग जाओ, टाइम वेस्ट मत करना सभी लोग। और कट ऑफ में मैं वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी डिटेल में, और ये मैं बहुत सटीक बताया हूं, बट फेज टू की जब तैयारी की बात आएगी तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा कम वाले बच्चे भी ट्राई करें, क्योंकि कट ऑफ कम जाता है तो दिक्कत हो जाती बच्चों को जो तैयारी नहीं किए रहते। ठीक है, फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा अब इसका आइडिया नहीं, जब तक पहला नहीं आ जाता दूसरा नहीं कट ऑफ का प्रेडिक्शन लगा सकते। ठीक है, चलिए आगे बता दे, अगर आप लोग नेवी की तैयारी करो तो आपके लिए थोड़ी सी एक दो खबरी भी लेकर आऊंगा। आज मैं एक दो इवेंट करूंगा, कुछ अपडेट जो मेरे पास आए हैं नेवी से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, सारी चीजें आपसे मैं शेयर करूंगा पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो नेवी की तैयारी के लिए कमर कस लीजिए,
तैयार हो जाइए एकदम। नेवी एसएसआर एमआर 02-2024 स्पेशल बैच, नेवी का ये है हमारा स्पेशल बैच, जटायु बैच। स्पेशल का मतलब इसमें हम लोग डेडिकेटेड नेवी की ही तैयारी कराते हैं। हमारा कंटेंट, क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन कह दीजिए, एग्जाम्पल जो नेवी के प्रीवियस ईयर रहते हैं उनसे रखते हैं हम लोग, ताकि आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में मैच करने को मिले। नेवी की सबसे बड़ी खास बात बेटा, आप कितना भी नॉलेज रख लो, अगर नेवी के क्वेश्चन नहीं लगाए रहोगे तो आपको एग्जाम में समझ में नहीं आएगा पूछा क्या है। एयरफोर्स का क्वेश्चन पूछता है कि आई का वैल्यू क्या होगा ये बता दो, तो आप बोलोगे आई का वैल्यू रूट के अंदर माइनस वन होता है, अगर मैथमेटिक्स की बात बोलो। नेवी ऐसे नहीं पूछता, नेवी कहता सुनो रूट के अंदर माइनस वन का वैल्यू क्या होगा ये बता दो, आप बोलोगे आई, आई ऑप्शन ही नहीं दिया रहेगा, आई ऑप्शन ही नहीं दिया रहेगा, वो दिया रहेगा माइनस ऑफ वन अपॉन में आई। अब इसका वैल्यू भी आई ही होता है, तो नेवी क्या करता, घुमा के चीजों को पूछता, वो डायरेक्टली बात ही नहीं करता। तो नेवी की तैयारी अगर आपको करनी, नेवी जैसी टीम के, क्योंकि नेवी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन का रिकॉर्ड है, नेवी का बहुत सिलेक्शन होता है, अंधाधुंध सिलेक्शन होता है, रिजल्ट की भरमार लगा के दिखा देंगे आपको। अब की बार इंटरव्यू वगैरह भी अपलोड होगा कुछ दिन बाद, थोड़ा सा अपडेट आ जाए और मैं शाम तक अपडेट करूंगा इससे रिलेटेड। तो नेवी के वैकेंसी से जुड़, बैच से जुड़ सकते बेटा, जटायु बैच बहुत स्पेशल बैच है नेवी का। 27 मार्च तक अगर आप इसको लेते, होली ऑफर चल रहा है हमारा 599 का पड़ेगा, होली के बीच में होली ऑफर हमारा 599 आपका पड़ेगा, और 27 मार्च के बाद लोगे तो ये 699 का आपका पड़ने वाला। ओके, 25 मार्च के बाद से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि होली के बाद से। और आपको ये बात मैं 10 बार बोलता हूं कि हम लोग जो तैयारी कराते, हमारी जो टीम, हम लोग का जो बैचेस बनते हैं, वो वैकेंसी को ऐसा नहीं देखते कि वैकेंसी आएगी तो बैच निकालेंगे फिर चलेगा, नहीं, हमारी प्लानिंग के हिसाब से चलता। अब नेवी आने वाला, हमें पता ये बात, और कब तक आ जाएगा ये भी मैं आपको बता दूंगा आज शाम तक, तो इसलिए हमारी प्लानिंग पहले से हो जाती है। जब बैच आ जाए हमारा किसी एग्जाम का ना, तो समझ लेना वैकेंसी आने वाली, तभी बैच आया, वरना हमारा बैच ऐसे नहीं आ जाता, आता, ठीक है। जब वैकेंसी कंफर्म हो जाती तभी आता है, तो जटायु बैच से जुड़ जाओ, मजा आ जाएगा। चलिए मिलते हैं, एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा, और एक बार देख लेना, ठीक है। इसको वापस से मैं बता देता हूं आप लोगों को कि रिजल्ट बेटा आप लोग तैयार रखिएगा, एकदम 19 अप्रैल के तक आपका रिजल्ट कैसे भी आ जाएगा, उसके पहले आ जाएगा, और 15 दिन मैक्सिमम आपका ये मिल जाएगा फेज टू की तैयारी के लिए। ओके, 19 प्लस जिसका भी एक्स ग्रुप में बेटा आप लोग तैयारी करिएगा, एकदम जम के करिए, ठीक है, एकदम लग जाइए अच्छे से, और फ्री में करवाएंगे तैयारी, अच्छे से करवाएंगे होली के बाद से, बता दूं मैं आपको, कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। वाई ग्रुप वाले बच्चे अगर 33 प्लस हो, चाहे मेल चाहे फीमेल, दोनों लोग लग जाओ तैयारी में, ठीक है, मेल भी लग जाओ बाबू, अगर पहले भी तैयारी कर लोगे ना, रिजल्ट आता है, क्योंकि अबकी बार बहुत कम जाने की संभावना, सच बताओ अच्छा खासा कम जाने की संभावना कट ऑफ, तो थोड़ा सा देखते हैं और जो भी आएगा आपको अपडेट करेंगे जरूर। ओके, थैंक यू आप सभी का, मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। जटायु बैच से जुड़ जाना बेटा सभी लोग, एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप पे मिलेगा।